दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, छात्रों की सहूलियत के लिए आप जानकारी देना चाहें कि कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कॉलेजेस हैं, सब्जेक्ट हैं, उनका प्रेफरेंसेस वो कब तक दे सकते हैं और कब तक पहली लिस्ट आएगी? ऐसा है कि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो शुरू हो गई। हाँ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर करें अपने आप को, और 10 अक्टूबर तक का हमने टाइम दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले हम सोच रहे थे कि रजिस्ट्रेशन और जो दूसरा फेज है कि प्रेफरेंसेस भरने का, वो अलग अलग करें, लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो उसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो 10 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और 26 सितंबर से, मंडे से आपको प्रेफरेंसेस भरने का भी एक राइट मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस भरें, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो आपकी जो मेरिट पोजीशन बनती है और आपका बेस्ट प्रेफरेंस वहां मिल सकता है वो हम देंगे। तो उसमें भरने में कोई कमी ना छोड़ें कि आप सोचते हैं मुझे 5 कॉलेजेस में ही पढ़ना है, वो बाद में देखना सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अभी तो आपको लगभग सारे ही आपके चॉइसेस भरने चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज उस समय का अलॉट हो सके। अच्छा, वहीं पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि फ्रीज या अपग्रेड। तो यानी कि आपको यदि लगता है कि मेरा तो बेस्ट मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको एक फ्रीज बटन दबाना होगा, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर कॉलेज में आपको फीस जमा कराएंगे और कंफर्म होगा। दूसरा है कि अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं है, ये आपको एक सीट मिली, तो आप अपग्रेड बटन दबाएंगे, और जिससे कि ये सीट तो आपके पास रहेगी ही, लेकिन अगले राउंड में आपको नया आपका बेस्ट प्रेफरेंस यदि पॉसिबल है तो मिलेगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। अच्छा। और हमारे को लगता है हमें 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग हम करेंगे इसके लिए। 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग। अच्छा सर, एक तमाम सारा हमारे पास सवाल आए हुए हैं ट्विटर के जरिए भी और सोशल मीडिया के जरिए, कि जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने CUET की परीक्षा दी थी और जो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, तो साइंस स्टूडेंट्स की सर कंप्लेंट है कि उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो कम कर दिया गया है, तो उससे उनको अच्छे कॉलेजेस मिलने में, अच्छा प्रेफरेंस मिलने में दिक्कत होगी। देखिए, उनको कम नहीं किया गया है। सब्जेक्ट वाइज जहां पर भी आपके नॉर्मलाइज स्कोर बनता है वो आपको मिला है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आप फिजिक्स आपने लिया था, अब फिजिक्स के अंदर क्योंकि कई दिन एग्जाम हुआ, कई शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ, किसी दिन पेपर इजी था, किसी दिन मुश्किल था, तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिस हिसाब से आपके रिजल्ट को नॉर्मलाइज किया, जिससे कि डिफिकल्टी लेवल को मिनिमाइज किया जा सके सबका सबको। तो आपका एक नंबर वहां बन गया। अब आप क्या कर रहे हो कि परसेंटाइल भी साथ में देख रहे हो। परसेंटाइल एक दूसरी व्यवस्था है, नॉर्मलाइज मार्क एक और अलग व्यवस्था है। हमने एडमिशन जो करना है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेस पे करना है। अब आप जब स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ देख रहे हो, उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट मुश्किल था, वो भी सकता है आपका सब्जेक्ट मुश्किल हो, लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट आसान था। जो अच्छे से पढ़ा है उसके लिए आसान है कोई सब्जेक्ट, जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा वही सब्जेक्ट। तो ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है, इसमें कोई एक सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी सरल नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। किसी उसमें अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे साइंस से, तब तो आपको कोई डिसएडवांटेज था ही नहीं, लेकिन जब आप स्ट्रीम चेंज करके उधर आ रहे हैं, वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप कम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने लिया है आपका वही लागू होगा। उसका फर्दर नॉर्मलाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, उसमें तो इस तरफ के बच्चों को फिर नुकसान होगा, वो तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं है इस चीज का। तो अच्छा अच्छा सर, एक चीज और है जो तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि PG का सर अभी परीक्षा के क्या दिक्कत है, कब तक होगा, क्योंकि जो लोग PG के हैं उनके अंदर तमाम सारा गुस्सा भी है, तमाम सारा अपने करियर को लेकर तमाम बातें हैं, उनको सर कैसे एश्योर करना है? ऐसा है कि बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं उसकी डेट्स को, क्योंकि वो एग्जाम NTA कराएंगे, NTA के पास सब लोग रजिस्टर भी हुए हैं, बहुत जल्दी ही NTA डेट अनाउंस करेगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी उसका एग्जाम होगा, हमारी भी NTA से बातचीत चल रही है। अच्छा अच्छा, और सर सत्र के बारे में तमाम सारे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर सवाल है कि सत्र आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे, ऑलरेडी एक पूरा साल बीतने को है। देखिए, ये संसार बहुत ही डिफिकल्ट फेज से पिछले 2-3 साल में निकला है। हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी ने मदद करी तो हम अपने बच्चों के साल बचा पाए, एग्जाम करा पाए, पढ़ाई भी करा पाए, अपने तरीके से पढ़ाई भी हुई, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी उसका इफेक्ट तो थोड़ा आ ही रहा है सिस्टम के ऊपर,
लेकिन मैं मानता हूं कि 1 नवंबर से हम सत्र शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इसको कोशिश करेंगे कि अगला साल आते आते इसको सत्र को सही कर लें, क्योंकि आप देखिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तो हमने ठीक कर लिया है, वो तो लगभग समय से क्लास हुई है और समय से उनको डिग्री भी मिलेगी, इसको भी हम अगले साल तक कर लेंगे सेशन में। अच्छा सर, और कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ सुझाव आपके मन में हो तो आप? मेरे मन में एक तो यह है कि देखिए बहुत सारी बातें चलती हैं, स्टूडेंट्स को है कि उन सबसे परेशान ना हो, आपका जो स्कोर है उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस चुनने में मेहनत करें थोड़ी, और बहुत सारे प्रेफरेंसेस चुने आप, क्योंकि अगर मान लिया फिजिक्स ऑनर्स हम 20 कॉलेज में दे रहे हैं मान लेते हैं, तो आपको 20 के 20 का ऑप्शन ले लेना चाहिए। आपका फिजिक्स ऑनर्स अगर फर्स्ट ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए फिर अगर प्रेफरेंस 2 है आपका वो, तो उसके भी जितने कॉलेजेस हैं आप अपने प्रेफरेंसेस उसमें दे दो, जिस कारण से आपको बेस्ट प्रेफरेंस एल्गोरिथम से आपको मिल पाए। अगर उसमें आप थोड़ी भी कोताही करोगे या कंजूसी करोगे ना, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है यदि थोड़े ऑप्शन दोगे। पर आप सबकी समस्या को ध्यान में रखते हुए सेकेंड राउंड के बाद यूनिवर्सिटी मिड एंट्री खोलेगी एक बार, उस मिड एंट्री में जो बच्चे रजिस्टर किसी कारण से नहीं हो पाए वो रजिस्ट्रेशन नए वाले कर सकते हैं। और दूसरा, आपने 2 राउंड में देख लिया, आपको भी अब एक रियल, अभी तो क्या है देखिए हमारे पास पुराना कोई डेटा नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि क्या होगा, लेकिन 2 राउंड के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या मिला है और फर्दर क्या मिल सकता है। फिर आप प्रेफरेंसेस भी अगर चेंज करना चाहेंगे तो सेकेंड मतलब मिड एंट्री जो सेकेंड राउंड के बाद होगी उसमें हम आपको चेंज भी अलाउ देंगे करेंगे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सुझाव है सर का कि प्रेफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जो देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों की जो आधिकारिक वेबसाइट है उनको ज़रूर देखते रहें, क्योंकि समय समय पर जो अपडेट है वो उन्हीं के ज़रिए उनको मिल सकती है। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।